हेलो फ्रेंड्स, कौर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा बॉल। ये बहुत ही डिलीशियस होती हैं, बच्चों और बड़े सबको पसंद आती हैं, और वेजेस तो हैं ही इसमें। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है बनानी, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसकी और इसके अंदर आप वेजेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्या, और अगर सिर्फ कैप्सिकम भी हो आपके पास तो उसमें ही भी ये बन जाती है। मैंने इसके लिए दो तरह की बेल पेपर और कैप्सिकम ली है। अब मैं यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको इस साइड्स निकाल दूँगी और इनका मैं ग्राइंड करके इनका ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अब ये मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा ले लिया है, इसको पानी से मैं एक लिक्विड तैयार कर लूँगी, ये मेरे बाद में काम आएगा। ये मैंने ग्रीन कैप्सिकम, अनियन और दोनों तरह की रेड एंड येलो बेल पेपर ले लिए हैं, और साथ में मैंने ग्रेटेड चीज़ ले लिया है, उसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब इसमें मैंने 3 से 4 जो हमारे पिज़्ज़ा ऑरिगैनो होती हैं वो डाल दी हैं, साथ में थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ही सॉस, और साथ में थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। और नमक ध्यान रखिएगा क्योंकि चीज़ में थोड़ा सा नमक होता है, तो आप उसके हिसाब से इसको देखिएगा। और साथ में मैंने डाल दिया इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, पिसी हुई जो ब्लैक पेपर होती है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, अब मैं जो मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे, अच्छा ये पानी मैंने ले लिया है ठंडा, इसके अंदर मैं नमक मिला लूँगी, और जो मैंने बैटर बनाया था मैदे का उसको में भी मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक मिला लूँगी। आप चाहें तो ऑरिगैनो भी मिला सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैं इसको पानी से डिप करके जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं, इस तरह से मैं इनकी बॉल बना लूँगी। थोड़ा सा पानी ठंडा ले लीजिएगा, जिससे कि अब ये देखिए मेरी सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको 1 बाय 1 डिप करूँगी अपने मैदे के बैटर में, और ऐसे ब्रेड क्रम्स जो बचे हुए थे, जो कोने हमने काटे थे उसके मैंने पीस लिए थे ब्रेड क्रम्स, उसको मैं ऐसे करके इसको डिप करके इसके अच्छे से चारों तरफ लगा दूँगी। मेरे ब्रेड क्रम्स जो थे, जो साइड से, वो वेस्ट भी नहीं हुई। अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। देखिए, अब इसको मैं ऑयल में डीप फ्राई कर रही हूँ। आप इसको चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, इसको स्लो ऑयल लो फ्लेम पे करना है क्योंकि चीज़ जो है वो मेल्ट होना चाहिए। मैंने 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था, ये सेट हो जाए। जिससे देखिए बाकी बॉल्स को मैं 1 बाय 1 करके ऐसे कर लूँगी। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप इसको अपने उसमें ओवन में, माइक्रो ओवन जो होता है, और हम लोग जो एयर फ्रायर यूज़ करते हैं उसमें भी हल्का सा ग्रीस करके कर सकते हैं। देखिए, ये कितनी सुंदर गोल्डन बॉल मेरी तैयार हो गई हैं। देखिए, मैं इसको चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, चीज़ ब्लास्ट इसके अंदर मैंने जो चीज़ ग्रेटेड चीज़ भरा था, कितना सुंदर बनके तैयार हो गए हैं। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, बच्चों के अलावा बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। अगर पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो और आप इसको बनाना चाहें तो इसको ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।